श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान की योग माया किस प्रकार कार्य करती है और देवता भी भगवान के जन्म के समय उपस्थित रहते हैं और देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति भी की जाती है। राजा कंस ने न केवल यदु भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सुरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया था, अपितु उसने अन्य सारे आसुरी राजाओं से मैत्री स्थापित कर ली, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: परलंब, मुष्टिक, चारुण, तृणाव्रत, अघासुर, अरिष्ट, पूतना, केसी तथा धेनुक। और इतना ही नहीं, उस समय जरासन मगध प्रांत का राजा था, जो आजकल बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह इस कूटनीति से कंस ने जरासंध के साथ संरक्षण करके, दूसरे शब्दों में कहिए तो जरासंध का संरक्षण में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य सुसंगठित कर लिया। जैसे उस समय के और भी राजा है, बाणासुर, भौमासुर जैसे राजाओं से मैत्री स्थापित करके एक प्रबल राज्य का निर्माण कर लिया, जिसमें सारे के सारे राक्षसी प्रवृत्ति के राजा थे। कोई भी ईसो नीति को मानने वाला ही नहीं था, अर्थात भगवान की नीति को मानने वाला कोई नहीं था। जो भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के राजा थे, वो सारे इसके टीम में शामिल हो गए। इसने अपनी एक बहुत बड़ी टीम बना ली इसे। और इतना ही नहीं, कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदुवंश, भोज तथा अंधक वंश के राजा विभिन्न राज्यों में दूसरे जगह पर जाके शरण ले रहे थे, जैसे कुरु, पंचाल, केकई, साल्व, विदर्भ, निषाद, विदेह, कौशल, अन्य राज्यों के शरण में जाके कंस के डर से इन लोगों ने वहाँ शरण ली। किसने? यदुवंश के लोगों ने। जिस यदुवंश में भगवान कृष्ण आने वाले थे कंस को मारने के लिए, कंस उस यदुकुल के लिए बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति अपना ली उसने और बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो गई उसे। तब होता क्या है कि जबकि देवकी के 6 के 6 जो संतानें थी मार दी थी कंस ने, अब 7वें ही जो संतान है वो देवकी के गर्भ में आ गई है। अभी कंस क्या करेगा ये देखिए। कंस ने देखा कि देवकी इतनी हर्षित है और उसका चेहरा इतना ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे सूर्य की किरणों से कोई चमक रहा हो। कुछ न कुछ तो दाल में काला है, मुझे मारने वाला व्यक्ति आ चुका है देवकी के गर्भ में। वो देवकी के गर्भ में जो है भगवान, उसे मारने का प्लानिंग करने लगा और साथ ही साथ योगमाया के प्रभाव से ये भी सोच रहा था कि अगर इस में अबला देवकी इसको मारता हूँ बाहर आने के पहले इस जीव को, तो मेरी ख्याति नहीं होगी, क्योंकि था तो राक्षस लेकिन मान सम्मान वो भी चाहता था। और ये भी विचार कर रहा था कि जो विष्णु है, कृष्ण है ना, उसका उद्देश्य कोई खत्म नहीं कर सकता है, भगवान जो चाहेगा वो करेगा, ये भी उसे ध्यान आ रहा था। लेकिन साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति दुष्टों की थी और ईर्ष्यालु था, इसलिए समझ नहीं पा रहा था, उसका विवेक काम नहीं कर रहा था कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता कौन सा है। तो ऐसा ही होता है, जो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं ना, उनको भगवान समझने की शक्ति नहीं देते हैं, माया द्वारा उनका ज्ञान ढक लिया जाता है। ये भगवद गीता में भगवान बोलते हैं माया अपहृत ज्ञानम, माया के द्वारा ना ऐसे लोगों का ज्ञान हर लिया जाता है, उनको समझने की शक्ति नहीं आती है, सही क्या है गलत क्या है वो नहीं समझ पाते हैं और उनका हित किस में है उसको भी वो नहीं समझ पाते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि देवकी के गर्भ में कौन था। देवकी के गर्भ में स्वयं बलराम जी थे और बलराम जी आदि गुरु हैं, सारे बलों के बल हैं और जहाँ भी भगवान आते हैं ना, उन भगवान के आने के पहले वो आ जाते हैं, वो एक फील्ड तैयार कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं संसार में बड़े बड़े राजा आते हैं या मंत्री आते हैं, तो उनके जो उनके जस्ट नीचे वाले लोग होते हैं वो आके पहले सब कुछ वहाँ पर तैयार कर लेते हैं, सारी व्यवस्था कर लेते हैं, फिर वो बड़े लोग आते हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री या जो इस संसार में बड़े बड़े पद हैं वो पद के लोग, उनके नीचे वाले लोग पहले आ जाते हैं। ऐसे ही बलराम जो हैं भगवान के पहले ऐसे विस्तार हैं, अंश हैं, जो भगवान की सारी व्यवस्था करते हैं। यही नहीं, भगवान के धाम में भी उनकी सारी व्यवस्था रहती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो भगवान के मंदिर हैं, भगवान की पूजा में यूज की जाने वाली सामग्री है, या भगवान के लिए जो कीर्तन किया जाता है, कीर्तन में जो चीज़ें यूज की जाती हैं, भगवान की पूजा सामग्री से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड, और भगवान के लिए जो भी सारा यूज़ हो रहा है ना, वो सारा बलराम जी का विस्तार है।
वो वास्तव में बलराम जी हैं। इसलिए भगवान की पूजा की चीज़ें और मंदिर और जो भी ये भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका इसलिए व्यक्ति सम्मान करते हैं क्योंकि स्वयं वो बलराम होते हैं। चाहे वाद्य यंत्र हों या चाहे वो फिर मंदिर हो, मंदिर के पिलर हों या फिर भगवान के पहनने के कपड़े हों, इस तरीके से भगवान से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो सब बलराम जी का विस्तार माना गया है। अभी क्या होता है, कथा यहाँ से टर्न लेती है। अभी भगवान योग माया को आदेश देते हैं कि जो मेरा अंश है, पूर्ण अंश है, बलराम है, वो देवकी के गर्भ में है, तुमको उसे वहाँ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र करना है। बलपूर्वक देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनका नाम शंकरषण भी पड़ता है क्योंकि बलपूर्वक उनको लेके जाया गया, क्योंकि थे तो यह देवकी के गर्भ में और भगवान के आदेश से योग माया के द्वारा ट्रांसफ़र कराया गया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया अपने धाम में कि आप ऐसा करो और आप जो है इतना काम करो, इसके बाद मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर देवकी के गर्भ में मैं प्रकट हो जाऊंगा और तब मैं जब देवकी के गर्भ में आऊंगा तब तुम वृंदावन में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में आना, क्योंकि तुम मेरी सहभागिनी हो, मेरी बहन के रूप में प्रकट होगे तो लोग तुम्हारी बड़ी पूजा पाठ करेंगे, तुम लोगों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी कर दोगे। जिनको भी भौतिक संसार में कुछ चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो इनको आप जल्दी सप्लाई करोगे इसलिए लोग आपकी बहुत पूजा करेंगे। ये भगवान ने अपने धाम में अपनी योग शक्ति को, योग माया को, अपनी बहन को बहन के रूप में स्वीकार किया दुर्गा को भगवान ने, इसलिए ये सारी चीज़ें बताई। तो तुम लोगों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति बहुत जल्दी करोगे तो अतः संसार के सारे लोग तुम्हारी मूल्यवान वस्तुओं से, मूल्यवान वस्तुओं की तुमको भेंट करेंगे, जैसे धूप, अगरबत्ती, पुष्प, यज्ञ हुई करेंगे, आपको सारी चीज़ें चढ़ाएंगे, चढ़ावा आपके पास डालेंगे और आप इस संसार में जो है दुर्गा, भद्रकाली, विजया और वैष्णवी, कुमुदा, चंडा देवी, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, इस तरीके से आप बहुत, काली, इस तरीके से आप बहुत नामों से फेमस हो जाओगे, लोग आपकी बहुत पूजा पाठ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक तत्व भी है, तत्व यह है कि जो लोग भौतिकतावादी लोग हैं, जो भौतिक संसार की चीज़ों को चाहते हैं, वो शक्ति की उपासना करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें, एक शक्ति है, शक्तिमान है, और शक्तिमान कौन है, कृष्ण है, भगवान है। और जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो ऊंचे लोग हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे दृष्टि के लोग हैं, वो लोग भगवान की पूजा करते हैं। और जो भौतिकवादी लोग हैं जिनको सब सांसारिक चीज़ें चाहिए, वो दुर्गा की पूजा करता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया कि संसार में, इस इंडिया में भी, भारत देश में हमारे बहुत जगह विष्णु और दुर्गा के मंदिर साथ साथ हैं, इसलिए लोग दोनों की भी पूजा करते हैं। और बलराम जी के बारे में बताया गया है कि बलराम जी आदि गुरु हैं, सबके गुरु, बिना गुरु के तो ज्ञान होगा नहीं, ठीक है। स्वयं कृष्ण तो सारे संसार के गुरु हैं, बंदे कृष्णम जगत गुरु, हाँ, तो या कृष्णम बंदे जगत गुरु, सारे जगत के गुरु कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण को जानने के लिए जो पहली शक्ति है वो बलराम के रूप में आती है। तो बलराम जी जो हैं बहुत हैवी हैं अपने आप में। तो भगवान बता रहे हैं अपनी योग माया को, अपनी सहभागिनी को, कि जो है बलराम अत्यंत बलशाली होंगे। और इस उपनिषदों में भी बताया गया है कि नाया आत्मा बलहीने लभ्यते, जिसके अंदर बल नहीं है ना, जो बलहीन है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो बल की ज़रूरत सबको है, तो बल है, जो बल के जो अधिष्ठाता हैं वो हैं बलराम जी। जैसे इस संसार में भी हम देखते हैं, संसार में हम देखते हैं कोई चीज़ ऊपर डालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाती है। तो वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से बताया जाता है कि एक गुरुत्वाकर्षण की जो ओरिजिन रूप है ना, वो है शंकरषण, यानी कि बलराम जी। बलराम ही ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है, रियल में ये बलराम ही गुरुत्वाकर्षण है, ये समझाया गया शास्त्रों में। फिर होता क्या है कि भगवान बलराम के ट्रांसफर होने के बाद भगवान इधर उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ यशोदा और नंद के रूप में वो भगवान की सहभागिनी एक पुत्री के रूप में जन्म ले लेती है। तो उस समय गोकुल से कृष्ण
गोकुल में ट्रांसफर कराए जाते हैं और वहाँ से कन्या वसुदेव जी जलाते हैं, वो आगे की लीला है। क्या है कि भगवान जन्म लेने वाले हैं और यहाँ ये सारा प्लानिंग चल रहा है कंस का उन्हें मारने के लिए, तो देवकी और वसुदेव के सामने सारे देवता और भगवान के जो शक्तियाँ हैं, भगवान के जो अवतार हैं, नरसिंह, वराह, वामन है ना, ये सारे अवतार, रामा, ये सब वहाँ पर हैं। और ये देवकी माँ और वसुदेव से को उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनके अहोभाग्य की चर्चा कर रहे हैं कि आप क्यों डरे हो, क्योंकि आपके गर्भ में स्वयं भगवान आ रहे हैं। जिसके माता पिता भगवान हैं उसको डरने की क्या ज़रूरत है, कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो भगवान की लीला थी, जस्ट ये इसने 6 लोगों को मार लिया, फिर अभी बलराम जी आ गए, अभी स्वयं भगवान मैं आने वाला हूँ, है ना, अर्थात भगवान आने वाले हैं। तो वो देवता बहुत स्तुति कर रहे थे भगवान की और वो बताते हैं कि हे प्रभु, आप इतने महान हैं, कई पुण्यों के बाद कोई आपको समझने की किसी को शक्ति आती है, जैसा कि गीता में भी बताया गया है, बहुनाम जन्मते मानम ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभम। कोई रियल ऐसा सोल होता है जो पहले लाखों प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से कुछ होते हैं, उसमें से एक का नंबर लगता है, जिसे संसार में भी हम देख सकते हैं। वैसे ही कई जन्मों के कारण पुण्य संचय होने के बाद कुछ लोग इस दृष्टि पर, इस मार्ग में चलते हैं, उसमें से कुछ लोग सफल होते हैं। तो बहुत जन्मों के बाद कोई साधु ऐसा होता है जो आपको समझने की इच्छा रखता है, बट आपको कोई नॉर्मल लोग कोई भी नहीं समझ पाता है। और भगवान का ये जो द्विभुज रूप है, कृष्ण रूप है, यह अत्यंत ही सुंदर है और इसको समझना, लोग इनको सही रूप में समझ नहीं पाते हैं, लोग अपने जैसा एक महान व्यक्ति समझते हैं भगवान को। तो देवता बोलते हैं कि लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जो साधारण मनुष्य आपको समझते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए तो कई जन्मों का पुण्य कर्म जब इकट्ठा हो जाता है, बैंक बैलेंस होता है लोगों के पास, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस होता है, उसके बाद उनको समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हे प्रभु, हे कमल नेत्र भगवान, हे लोटस आईज, इसे भगवान की तुलना लोटस से की गई है। इस संसार में भगवान की तुलना करने के लिए कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं, लोटस से तुलना की जाती है, लोटस से तुलना की जाती है, लेकिन लोटस भी अपने आप में पूर्ण नहीं, लेकिन उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लोटस आईज, लोटस माउथ, लोटस फीट, है ना। तो इसलिए देवता बोलते हैं कि हे कमल नेत्र प्रभु, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, आप जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं, लाखों करोड़ों जन्मों के उसके पुण्य संचित होने के बाद समझ में आता है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी आपको नहीं समझ पाते हैं, भौतिकवादी वैज्ञानिकों की तो बात ही क्या। और इवन आपको जो है, जो लोग आपके साकार रूप को नहीं मानते हैं, वो भी आपको सही रूप में नहीं समझ पाते हैं। जो लोग शून्यवादी होते हैं या मायावादी होते हैं और ब्रह्मवादी होते हैं, वो भी आपको सही रूप में नहीं समझ पाते हैं। आपको समझना तो आपकी कृपा से ही संभव होता है, जब आप किसी को चयन करते हो। हे भगवान, भौतिकवादी जीव अलग अलग दृष्टि से, अपने अलग अलग दिमाग से लोग आपको समझने का प्रयास करते हैं। और एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि ये भौतिक संसार वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और टहनियाँ नीचे की ओर हैं, और उस वृक्ष की तुलना प्रकृति के 3 गुणों से की गई है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। बट हे भगवान, आप 3 गुणों से पड़े हो, आप शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो, लेकिन इस संसार में लोग सत्व, रजो, तमोगुण के प्रभाव से आपको अपने अपने दिमाग से समझते हैं, आपको सही रूप में नहीं समझा पाते हैं। और जो वृक्ष की बात की है, वो वृक्ष में कठोपनिषद में और उपनिषद में बताया गया कि 2 पक्षी बैठे, एक पक्षी उस वृक्ष में लगे हुए फलों को खाता है, इस संसार के जो फल हैं, है ना, इस संसार के जो सुख दुख हैं उनको खाता है, और दूसरा एक ऐसा पक्षी है जो साक्षी रूप में देखता रहता है, वो है परमात्मा। इसलिए बोला जाता है कि परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह विद्यमान रहते हैं। और इन फलों के भी 4 प्रकार बताए गए हैं इस तरीके से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रकार के फल होते हैं, इनका स्वाद होता है ऐसा। व्यवहारिक रूप से सारे भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किए जाते हैं, परंतु 3 प्रकार के गुण होने के कारण कभी कभी यह अज्ञान तमोगुण सतो रजो तथा सतो से आच्छादित हो जाता है।
इस भौतिक फलों का स्वाद पांच प्रकार की इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पांच प्रकार की इंद्रियां कौन कौन सी हैं, जिसमें छठा छह प्रकार के कोड दोष से जो प्रभावित है। छह प्रकार के दोष कोड कौन कौन से हैं, शोक मोह दुर्बलता मृत्यु भूख तथा प्यास। भौतिक शरीर भौतिक जगत सात कोषों के आवरण से ढका हुआ है, त्वचा पेशी मांस मज्जा अस्थियां वसा तथा वीर्य। तो वृक्ष की आठ शाखाएं भी हैं, आठ शाखाएं कौन कौन सी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और इस शरीर में नौ द्वार हैं, दो आँखें हैं दो नथुने हैं दो कान हैं एक मुँह है एक सिसन है और एक गुदा है, तथा इस शरीर के भीतर दो प्रकार दस प्रकार की वायु रहती है, प्राण अपान उदान व्यान समान नांग कुर्म क्रकर देव देवत देवदत्त तथा धनंजय। जैसा कि हमने पहले बताया भी, इसमें दो पक्षी बैठे होते हैं, एक तो जो फलों को खाता है, दूसरा जो जीवात्मा को देखता है, परमात्मा भगवान साक्षी रूप में बैठ के देखते हैं। इस प्रकार रजो तमो सतो गुण तीन गुणों से जगत के अंदर सब कुछ कार्यान्वित होता है। और देवताओं ने इस प्रकार भी स्तुति की कि इस प्रकार परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। मेन कारण तो यही है कि माया के द्वारा वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों द्वारा भ्रमित किए गए अल्पज्ञानी व्यक्तियों को रास्ते में लाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कुछ लोग कुछ महारथी ऐसे होते हैं कि भगवान को बोलते हैं कि भगवान इतने ओल्ड हैं पुराने हैं तो भगवान तो बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन ब्रह्म संहिता में बताया गया भगवान के बारे में, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान नव यौवन हैं, भगवान कैसे हैं, नव यौवन हैं। और भगवान इतने सबसे पुराने होने के बाद भी हमेशा 16 साल के यंग बॉय की तरह लगते हैं। भगवान की न तो कभी दाढ़ी होती है, भगवान ने कभी बूढ़े होते हैं, भगवान को न कभी थकान होती है, इसलिए वो भगवान होते हैं। और देवता भगवान से इस प्रकार भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके संसार में आने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक विशेष उद्देश्य ये है जो आप अपने भक्तों की सेवा करने के लिए आते हो। जैसा कि आपने गीता में स्वयं बताया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करना तो बात का काम है, लेकिन पहला कार्य आपका ये है कि परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय साधूनाम, साधु की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आप प्रकट होते हैं, और फिर आके दुष्टों का विनाश भी करना है, तो इस तरीके से धर्म की स्थापना हो ही जाएगी। और वैसे भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए भी संसार में प्रकट होते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें से मेन कारण है भक्तों की सेवा, भक्तों की रक्षा करना, और दूसरा कारण है महत्वपूर्ण, अपने भक्तों के साथ ये सुंदर लीलाएं करना, भौतिक चीज़ों से दूर रह के अपनी सुंदर लीलाओं में आनंद लेना। और ये तो किसी को दुष्टों को मारना है थर्ड क्लास काम है, भगवान तो वैकुंठ में सोचे सोचे मार सकते हैं, भगवान के सोचने मात्र से करोड़ों लोग नष्ट हो सकते हैं और नए करोड़ों लोग उत्पन्न हो सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज भगवान क्या है कि सारे कारणों के कारण है, उनके आगे सारा कारण फेल हो जाता है। और देवता इस प्रकार भी बताते हैं कि जो बुद्धिमान लोग नहीं हैं, जो लोग निर्विशेषवादी हैं, वो भी आपके ज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, वो भी आपको सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा बहुत वो आध्यात्मवादी तो होते हैं, लेकिन भगवान के साकार स्वरूप को सही तरीके से जो नहीं समझ पाते हैं तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका साकार रूप है, भगवान एक व्यक्तित्व हैं जैसे हम हैं, क्योंकि हमारा रूप है, तो जिसने हमको बनाया उसका रूप नहीं होगा क्या, एक समझने वाली बात है। तो वास्तव में उसका भी एक शाश्वत रूप है, हमारा तो रूप आज या कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिसने हमको रूप दिया उसका रूप बिल्कुल शाश्वत है और वह उसका सही रूप है। कर सारे देवता और भगवान के जितने विस्तार है सब वहाँ प्रकट होते हैं कंस के कारागृह में, लेकिन कंस योग माया के द्वारा भ्रमित रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं रहता है, अन्यथा कंस देख लेता तो फिर वो कुछ अलग ही ड्रामा कर देता, परंतु योग माया ने उसको समझने नहीं दिया। तो ये किस प्रकार है, जैसे घड़े के अंदर
कोई दिया रख दो आप या फिर लाइट रख दो, वो बाहर नहीं आती है। वैसे ही कंस की दीवारों के अंदर, ये जेल के अंदर दीवारों के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, और सारे देवता और जितने भी भगवान के अवतार हैं सब वो देवकी और भगवान की आरती कर रहे हैं और देवकी की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरीके से सब कुछ होने के बाद भगवान देवकी के मन में प्रकट होते हैं, वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं, फिर उनके सामने प्रकट होते हैं, फिर आगे की लीला चलती है। और भगवान की लीला, ऐसी दिव्य लीला सुनने के लिए आपको ऐसा इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल पर डेली अपडेट देखिए, और अच्छी लगे वीडियो तो इनको शेयर कीजिए, और ख़ुद भी कृष्णा कॉन्शियसनेस बनिए, क्योंकि जन्माष्टमी, अपकमिंग जन्माष्टमी ऑलमोस्ट आने वाली है, 7 सितंबर को है। यू कैन हियर एवरी डे यू नो कृष्ण कथा इन यूट्यूब एंड फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक में रात को 9:20 से हम लोग लाइव भी करते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड वॉचिंग। हरे कृष्णा।